रही हूँ लंच. ये मिक्स वेजिटेबल आप देख सकते हैं, इसमें टोमेटो है, कैरेट, अनियन और कॉलीफ्लावर है, और इसके ऊपर बस लाइट सॉल्ट और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया, और साथ में चिकन के थोड़े से पीसेस हैं जिसके ऊपर साथ में रेड चिली भी मैंने स्प्रिंकल किया लाइट सा. और इसको मैं एयर फ्रायर में आज बनाने लगी हूँ. वैसे तो मैं मम्मा के लिए सैंडविचेस टी प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन आज वो थोड़ा बिजी थी तो इसलिए मैंने आज आपसे मैं शेयर कर लूँ जो मैं बना रही हूँ. मैंने ये एयर फ्रायर को प्री हीट कर दिया 2 मिनट्स के लिए, और अब मैं इसको 160 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए रखने लगी हूँ. इसको 5 मिनट्स देखिए कि मैं खाने बना बना के देती हूँ, इतनी इतनी प्यारी प्यारी डिशेज बना के देती हूँ, और एक कप चाय का और एक सैंडविच बना के देने तो बहुत देखते हैं मेरी बेटी ओके. और इसके बाद फिर मैं इसको 5 मिनट्स बाद निकालूंगी, और ऑलिव ऑयल इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको वापस एयर फ्राई में रख दूंगी फ्राई करने के लिए. मैं ओलिव ऑयल से यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि मम्मा डाइटिंग पे हैं तो वो और कोई ऑयल नहीं यूज़ करती, इसलिए 15 मिनट्स के लिए भी 160 डिग्री पे मैंने रख दी. अब ये एयर फ्राई में फ्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ. तो अभी 5 मिनट्स पास हो गई, तो अभी हम चेक करते हैं. आप देखें चिकन जो है वो लाइट सा हो गया, सारे वेजिटेबल्स और चिकन फ्लिप कर देंगे ताकि वो प्रॉपरली हर साइड से कुक हो जाए. और इसको हम वापस रख देंगे ताकि वो 15 मिनट्स के लिए फ्राई हो जाए. टोटल 10 मिनट्स पास हो गए, तो जो टोमेटोज हैं वो हो गए फ्राई बिकॉज वो जल्दी हो जाते हैं, और वेजिटेबल्स मैं डिश आउट कर दूँगी. चिकन को हम दोबारा रखेंगे क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है. इसमें सिर्फ 1 मिनट रहता है, और फाइनली बन गया, तो हम चेक करते हैं. ओके, ये प्रॉपरली फ्राई हो गया. ये देखें कितना क्रिस्पी लग रहा है, बिकॉज इसमें हमने कोई ऑयल नहीं यूज़ किया, बहुत हेल्दी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग डाइट कर रहे हैं. ओके, और इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि ब्लैक पेपर थोड़ी कम थी, और साथ में ऑलिव ऑयल थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं. और मम्मा को पर्सनली लेमन ऊपर बहुत पसंद है, वो ऑलमोस्ट हर खाने में लेमन बहुत पसंद करती हैं, इसलिए लेमन स्क्वीज, और साथ में आप ब्राउन ब्रेड, ब्राउन टोस्ट भी खा सकते हैं जो कि मेरी मम्मा यूजुअली पसंद करती हैं खाना. मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं बाहर से कुछ मंगवा के खाऊं, और मुझे जो है बाहर से मंगवाना सबसे मेरा फेवरेट जो है वो है बारबेक्यू, तो मैंने आज बारबेक्यू बाहर से मंगवाया. तो सबसे पहले तो ये आ गए खुबस, ये देखें इतने इतने बड़े खुबस, और फिर आए हैं जी साथ उन्होंने दी है क्या, ये है ये सबस मिर्च और पुदीने की चटनी है, ये वाला तिक्का जहाँ से हमने मंगवाया ये मेरा फेवरेट, और हाँ ये आ गया जी तिक्का. ये कौन सा है, मटन का है, ये चिकन का, वाव मेरा फेवरेट. अच्छा साथ हमने दी है सैलेड, ये फिर सब अपनी अपनी पसंद का मंगवा लेते हैं, कोई किसी को मटन पसंद है, किसी को चिकन पसंद है, तो सब अपनी मर्जी से मंगवा. ये है मटन का, ये क्या है, ये चिकन है कि मटन है, ये भी चिकन का,
ये उन्होंने साथ साथ इसकी सैलड भी दी हुई है, हर पार्सल के साथ उनका सैलड। कौन सा है, ये भी मटन का है। इसके साथ ये क्या है, ये मिक्स है, इसके साथ कबाब भी है। प्लेटर तैयार मैंने अपनी कर ली है। मैंने ये जो उन्होंने पार्सल के साथ चटनी भेजी थी उसके साथ मैंने अपनी घर वाली भी मिक्स कर ली, और ये मेरा डिनर है।